ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಾಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಅವರು ಖಂಡಿತಾರೆ Respected senior Pyramid Master Raghuramji and other senior Pyramid Masters and my dear Divine Souls. Pyramid Party of India जब पत्री सार ने मुझको प्रेसिडेंट बनाया था तो उससे पहले भाई पीएसएस में आकर के 2 साल हो गया. इसके पूर्व मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया था. उसका नाम है आनंद मार्ग. तो आनंद मार्ग में भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें भी काम किए थे मैं. तो 1990 में से मुझको एक विजन आया था, भविष्य में शाकाहारी मेडिटेटर्स आत्मज्ञानी ही इस दुनिया को चलाएंगे और वर्ल्ड गवर्नमेंट भी जरूर बनेगा. सो वैसा विजन मैं जब 1990 जब मैं हिमालय में साधना करता था सो उस समय ये विजन मुझे आया था. जब पत्री सार ने पार्टी प्रेसिडेंट बनाया था तो उस समय उन्होंने बताया था कि स्वामी जी यू आर द राइट पर्सन टू लीड द पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया. तो उस समय मैं पत्री सार को डिस्कस किए थे दोनों. तो मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन जो मेन असल पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का मेन जो स्लोगन्स है मैं आपको बताऊंगा. इसका फर्स्ट स्लोगन यह है कि वेजिटेरियंस ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट यूनाइट, और सेकंड है मेडिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट यूनाइट. अभी जो स्लोगन है, जो नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो इस स्लोगन जब तक रहेगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई तब तक तो अलग रहते ही रहेगा. तो हमारा पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का स्लोगन है मानव मानव भाई भाई. क्या है? मानव मानव भाई भाई. देखिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई जब तक ये स्लोगन बोलते रहेगा तब तक हिंदू और मुस्लिम अलग रहते रहेगा, लेकिन जब आप मानव मानव भाई बोलते रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम जैन बुद्ध सिख ईसाई किसी रिलीजन का किसी मजहब का बात नहीं आएगा. सो हमारा पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का मेन मैनिफेस्टो स्लोगन यह है कि इस दुनिया में सभी लोग मानव मानव एक है. हम लोगों का जब गवर्नमेंट बनेगा तब कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं जैन हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं. अवर मेन मोटो इज कैस्टलेस सोसाइटी, रिलीजियन लेस सोसाइटी. तो यही मेन उद्देश्य है हमारा पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का. तो शाकाहारी केवल पिरामिड माना हम लोग का पीएसएस में नहीं है कि बाकी अनेक रिलीजन्स में भी शाकाहारी लोग हैं, वेजिटेरियंस लोग हैं. क्योंकि मैं राधा स्वामी में भी काम किया था, श्री रामचंद्र मिशन में भी काम किया था, ब्रह्म कुमारी में भी काम किया था, आनंद मार्ग में किया. ऐसा 10 ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें प्योर वेजिटेरियंस है. अभी उन सभी लोगों के साथ मेरा संपर्क है, अभी भी मेरा कॉन्टैक्ट है. तो इसलिए भविष्य में जरूर पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का सरकार बनेगा. ये तो शुरुआत है.
मेरा विजन में है कि 2030, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि जो पत्री जी का भी जो भी संकल्प होते हैं उसका पीछे एक कारण होता है, जो बोलते हैं कि हम लोग एस्ट्रल मास्टर्स, जो डिवाइन, जो मैंने सूक्ष्म शरीर जिनको कहते हैं, तो सब अभी समय आ गया है कि जितने भी सूक्ष्म शरीरदारी हैं, जिसको एस्ट्रल मास्टर्स बोलते हैं कि जो डिवाइन पावर्स है, वो तो सब लोग अभी हम लोगों के साथ हैं। सिर्फ इतना है कि जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं, यदि जितने भी पिरामिड मास्टर हैं सब लोग यूनाइट होकर के यदि मेडिटेशन करते हुए यदि काम करेंगे ना, तो जरूर बाकी लोग अपने आप से हम लोगों के आचरण को देख करके उन लोगों में परिवर्तन जरूर आएगा। आप लोग सब जानते हैं कि शुरू में पत्री सर एक थे, अकेले थे, लेकिन अभी करोड़ों। तो ये भी जब शुरुआत में पंचराग्राम सर ने पार्टी को शुरू किया, अब धीरे धीरे देखिए अब कितना हो गया, और आगे में और भी जरूर लोग आएंगे। लोग सोच रहे हैं कि अच्छे लोग बहुत लोग हैं, क्योंकि वो लोग सामने नहीं आ पा रहे, तो पत्री सर ने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का। सो अभी भविष्य में जितने भी रिलीजियंस हैं, सभी रिलीजियंस में प्योर वेजिटेरियंस लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि एक आत्मज्ञानी सरकार को चलाए। सो ऐसा लोग हमारी प्लेटफॉर्म पर सब लोग आ जाएंगे, तो इसलिए हम लोग बहुत भाग्यवान है, पत्री सर ने हम लोगों को चुने हैं। तो हम लोग जो जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को, उस रिस्पांसिबिलिटी को हम लोग यदि सही ढंग से उपयोग करेंगे तो सो जरूर पत्री सर का जो ड्रीम है उसको साकार होगा। आप लोगों के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ಇವತ್ತು ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿನ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರತರು